वेलकम टू आवर चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल का तरफ से एक लेटेस्ट रिक्रूटमेंट निकल के आया है आईटीआई पास और डिप्लोमा पास स्टूडेंट के लिए। ये परमानेंट जॉब है और ये रिक्रूटमेंट आया है बेल बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स का तरफ से। अगर नंबर ऑफ पोस्ट का बात करते इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग ईएटी पोस्ट के लिए टोटल कितना रिक्रूटमेंट आया है, 3 ब्रांच के लिए आया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए 17 पोस्ट है, मैकेनिकल के लिए 33 पोस्ट है और इलेक्ट्रिकल के लिए 16 पोस्ट है। इसको अगर आप लोग रिजर्वेशन वाइज डिवाइड करते तो अनरिजर्व के लिए 26 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 7 पोस्ट, ओबीसी के लिए 18 पोस्ट, एससी के लिए 10 पोस्ट और एसटी के लिए 5 पोस्ट है। और इसके लिए एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप लोग का होना चाहिए 3 साल का डिप्लोमा, मतलब जो लेटरल एंट्री से डिप्लोमा किया उसका इसमें नहीं होने वाला, क्योंकि इसमें आप लोग को मेंशन किया गया 3 साल का डिप्लोमा आप लोग का होना चाहिए। ओके, इसका बाद भी आप देख सकते हैं ग्रेड और पे स्केल के बारे में आप लोग का बात किया गया है। आप लोग का पे स्केल रहेगा 24,500 से 90,000, ठीक है। इसका बाद आता है टेक्नीशियन सी का रिक्रूटमेंट जो आईटीआई पास स्टूडेंट के लिए। इसके लिए आप लोग का एसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए 10th+ ITI+1 year अप्रेंटिसिप। ओके, और 10th का बाद अगर आप लोग का 3 साल का डायरेक्ट अप्रेंटिसिप है तब भी आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए 6 सीट, फिटर के लिए 11 सीट, इलेक्ट्रिकल के लिए 4 सीट, मिलर के लिए 2 सीट और इलेक्ट्रोप्लेटर के लिए 2 सीट इसमें है। और अनडिजर्व कैटेगरी में 9 सीट, ईडब्ल्यूएस में 5, ओबीसी में 6 सीट, एससी में 3 सीट, एसटी में 2 सीट है। इसके बाद अगर आप देखते हैं पे स्केल तो 21,500 से आप लोग का 82,000 का आप लोग का पे स्केल मतलब पे बैंड रहने वाला है, ठीक है। और इसके बाद आप लोग ये भी बताया गया कि इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग का सबसे पहले आप लोग को इनिशियली 6 महीने का ट्रेनिंग चलेगा। ओके, और ट्रेनिंग पीरियड में आप लोग को 10,000 रुपीज़ करके हर महीना स्टाइपेंड मिलेगा। उसका बाद आप लोग का कन्फर्मेशन हो जाएगा और टेक्नीशियन सी वालों का पहले से कन्फर्मेशन रहेगा। लेकिन टेक्नीशियन सी वालों और जो इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग है इन सभी पोस्ट के लिए आप लोग का एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एसेंशियल एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि कर्नाटक का स्टूडेंट होना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आप लोग को बताया गया है कि कर्नाटक का जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है उसमें आप लोग का नाम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर आप लोग देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आप लोग को ये भी बताया गया कि इंजीनियरिंग असिस्टेंट ने ईएटी के लिए 28 साल है अपर एज लिमिट और टेक्नीशियन सी के लिए भी 28 साल रखा गया है। ओके, ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल का और एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 10 साल का रिलैक्सेशन इसमें मिल जाएगा, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में पहले आप लोगों को मैं बता दिया हूँ और मिनिमम परसेंटेज आप लोग का क्या होना चाहिए इंजीनियरिंग असिस्टेंट में, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट को 60% और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को 50% मार्क्स आप लोग का रहना चाहिए और टेक्नीशियन सी वालों के लिए भी सेम टू सेम है। और आप लोग को जो एक्सपीरियंस है कोई एक्सपीरियंस आप लोग का नहीं रहना चाहिए। तो मैंडेटरी आप लोग का क्राइटेरिया क्या है, रजिस्ट्रेशन इन कर्नाटका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज मैंडेटरी, मतलब जो भी कर्नाटका का स्टूडेंट है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम कर्नाटका में कर सकते हैं कर्नाटका स्टूडेंट ओनली, ठीक है। तो बाकी अदर स्टेट का स्टूडेंट इसमें फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। मोड ऑफ सिलेक्शन का अगर बात करते हैं तो टोटल आप लोग का 150 मार्क्स का एग्जामिनेशन होने वाला है। तो इसमें आप देख सकते हैं 50 मार्क्स का आप लोग का रहेगा जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें आप लोग का रहेगा जनरल मेंटल एबिलिटी, एप्टीट्यूड टू लॉजिक लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल, इसका बाद कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरेसी, डाटा इंक्रिप्शन स्किल एंड जनरल नॉलेज। और टेक्निकल एप्टीट्यूड से आप लोग का जो भी टेक्निकल या प्रोफेशनल नॉलेज है उधर से आप लोग का 100 क्वेश्चन पूछे जाएगा। ओके, इसके बाद आप देख सकते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आप लोग का पार्ट वन पार्ट टू में 35% होना चाहिए जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के 30% मार्क्स आप लोग का होना चाहिए पार्ट वन और पार्ट टू दोनों में, मतलब नॉन टेक्निकल टेक्निकल दोनों में, ठीक है। इसके बाद एप्लीकेशन फी का अगर बात करें तो 250 रुपीज़ लगेगा और उसके साथ 18% जीएसटी, मतलब आप लोग का 40 रुपये का आसपास आप लोग का जीएसटी या 40-42 रुपये का आसपास आप लोग का जीएसटी लगने वाला है। इसका फॉर्म फिलअप कैसे करना पड़ेगा इसके ऊपर भी स्पेशल वीडियो मैं आप लोग के लिए बना दूंगा। और अगर आप लोग SBI कलेक्ट से पेमेंट अभी तक नहीं किया है या अगर नहीं जानते कैसे करना पड़ता है इसका पेमेंट तो इसके ऊपर मैं स्पेशल वीडियो बना दिया हूँ। इसका वीडियो मेरा यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है तो वो भी आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल विजिट करके देख सकते हैं। कब से कब तक इसका फॉर्म फिलअप चलेगा आप देख सकते हैं, ऑनलाइन लिंक ओपन हो गया है आज दोपहर 3 बजे से, ठीक है। और इसका कब तक अप्लाई करना पड़ेगा इधर तो आप लोग को अभी कुछ बताया नहीं है तो पूरा नोटिफिकेशन को लास्ट तक आप लोग को देख लेते हैं। इसका लास्ट डेट है आप लोग का 20 अप्रैल 2022, तो 20 अप्रैल 2022 से पहले आप लोग को एप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो जो भी स्टूडेंट का कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग बता सकते हैं और आधा स्टूडेंट फॉर्म फिलअप को कर सकते हैं। आज तक आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो पसंद आते चैनल को सब्सक्राइब करना और चैनल को ऐसे सपोर्ट करते रहना। आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।